इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दोस्तों आज के वर्ल्ड कप मैच के बारे में। दोस्तों देखो, साउथ अफ्रीका की टीम ना ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है दोस्तों सेवन फाइनल के लिए, और ये चीज़ फिक्स भी हो गया है कि जो दोस्तों सेकेंड सेवन फाइनल है जो नेक्स्ट थर्सडे को खेला जाएगा वो आपको दोस्तों साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच खेला जाएगा, ठीक ना। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकेंड सेवन फाइनल है। वहीं अफगानिस्तान की टीम भी देखो दोस्तों 99.9% बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से, ये दोस्तों सच है। 0.1% वो बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो संभव कभी भी नहीं है, ठीक ना। तो समझो दोस्तों अफगानिस्तान की टीम या पाकिस्तान की टीम जिनका चांस था वो बाहर हो चुकी है। ये मैं दोनों टीम, साउथ अफ्रीका टीम चाहेगी अपना बेस्ट देके सेवन फाइनल में विनिंग के साथ जाए, और अफगानिस्तान की टीम भी चाहेगी दोस्तों लास्ट मैच है वर्ल्ड कप का तो थोड़ा विन करके जाए। अब देखो, अब साउथ अफ्रीका की टीम विन कैसे कर सकती है, अफगानिस्तान की टीम विन कैसे कर सकती है, ये भी मैं आपको अभी ही बताता हूँ। साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग फर्स्ट करे प्लीज़, जितना भी टीम बनाओगे साउथ अफ्रीका टीम को टोटली फेवर करके बनाइएगा। लेकिन यदि दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग सेकेंड करे तो दोस्तों ध्यान रखना अफगानिस्तान की टीम को आप फेवर करके टीम बना सकते हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस पूरे वर्ल्ड कप में बैटिंग सेकेंड करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। और अफगानिस्तान टीम के पास दोस्तों इनके तीन सबसे बड़े जो वीपन्स बोले तो वो है इनके स्पिन डिपार्टमेंट, राशिद खान, मुजीब और दोस्तों एन नबी। और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि इस मैच में दोस्तों एन अहमद भी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, नूर अहमद, क्योंकि ये जो मैच है ये मैच दोस्तों खेला जा रहा है कहाँ पे, तो अहमदाबाद में, ठीक ना। और नूर अहमद आईपीएल में गुजरात के लिए खेलते हैं, तो इस पिच के बारे में नूर अहमद को अच्छा से नॉलेज है। तो मे भी दोस्तों इस मैच में बहुत ज़्यादा हम लोग सरप्राइज नहीं होंगे कि अफगानिस्तान की टीम चार स्पिनर के साथ खेल जाए, ठीक ना। चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं पिच के बारे में। तो दोस्तों देखो, दोस्तों नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक जितना भी मैच हुए ना वर्ल्ड कप का, हम लोग दो चीज़ मेन देखेंगे। फर्स्ट तो दोस्तों यहाँ पे बैट्समैन को काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है, बाउंस काफ़ी अच्छा है जिससे बैट्समैन बिग स्कोर कर पाते हैं। सेकेंड दोस्तों, जो भी टीम सेकेंड बॉलिंग करती है ना, डैट मीन्स रात के टाइम जब भी टीम दोस्तों बॉलिंग करती है यहाँ पे फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा स्विंग मिलता है। तो यदि साउथ अफ्रीका की टीम दोस्तों ध्यान रखना सेकेंड बॉलिंग करे, दैट मीन्स फर्स्ट बैटिंग के बाद सेकेंड बॉलिंग करे, साउथ अफ्रीका के जितने भी इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर हैं रवादा, लुंगी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बैट्समैन को ये ग्राउंड हेल्प करता है लेकिन सेकेंड इनिंग में बॉलर को, स्पेशली फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस मैच के रिगार्डिंग जो भी अभी मैं आपके साथ टीम शेयर कर रहा हूँ ना, इस टीम में यदि कोई प्लेयर अब्सेंट हो जाता है या कोई प्लेयर नहीं खेलता है या टॉस पिच को ध्यान में रखते हुए कोई भी चेंजेस करना होगा तो फाइनल कम्बिनेशन आपके साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, चाहिए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, इससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब फोकस करते हैं कम्बिनेशन पे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो आपको डिकॉक का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। अब देखो दोस्तों, डिकॉक तो आपके टीम में होने ही चाहिए क्योंकि भाई ने पूरे वर्ल्ड कप में बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया है, सभी मैच में ओपन भी कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट एज अ विकेट कीपर भी प्रोवाइड करेंगे। फिर नीचे आपको एच कार्लसन का ऑप्शन मिलेगा। साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग फर्स्ट करे कार्लसन मेरे टीम में रहेंगे, बैटिंग सेकेंड करे नहीं रहेंगे। अब देखो रीजन भी बताता हूँ, फर्स्ट बैटिंग में दोस्तों कार्लसन ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन बैटिंग किया है, और फर्स्ट बैटिंग यदि साउथ अफ्रीका की टीम करती है तो कार्लसन का बैटिंग आने का भी चांस हाई रहता है, कार्लसन तीन नंबर पर मेनली बैटिंग करते हैं। लेकिन सेकेंड बैटिंग में क्या है ना दोस्तों, एक तो दोस्तों कार्लसन का बैटिंग आने का चांस कम है यदि बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की टीम स्कोर नहीं करती। सेकेंड रीजन दोस्तों, यदि दोस्तों कार्लसन सेकेंड इनिंग में बैटिंग आते भी है ना, तो इससे पहले दो बार ऐसा हुआ है और दोनों बार दोस्तों टोटली फ्लॉप रहे, चाहे नीदरलैंड के अगेंस्ट हो चाहे दोस्तों इंडिया टीम के अगेंस्ट हो।
फिर नीचे आपको आर गुरबाज का ऑप्शन मिलेगा। आप देखो दोस्तों गुरबाज के सामने ना इस मैच में ध्यान रखना, सामने होंगे जैक्सन जो बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। इंडिया के खिलाफ भाई का उतना अच्छा लक नहीं था, लेकिन इस पिच पे जैसा मैंने बोला स्विंग मिलता ही मिलता है। और सामने यदि दोस्तों जैक्सन और गुरबाज होंगे तो इनको अंदर वाला बॉल बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। तो ये क्योंकि हम लोग दोस्तों एच जैक्सन को कैप्टन बीसी करेंगे तो मैं गुरबाज को नहीं बैक कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप दोस्तों जैक्सन को ध्यान रखिएगा कैप्टन बीसी नहीं कर रहे हैं तो गुरबाज को आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ना, ये वाला रोटेशन आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन बीसी आप किसको कर रहे हो, फिर आप गुरबाज को रख सकते हो। आई अखिल बैटिंग नीचे करने आएंगे, ग्रैंडलिंग में एज अ डिफरेंशियल आप ट्राई कर सकते हो, ग्रैंडलिंग में डिफरेंशियल का काम कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। अब बात कर ले बैटिंग सेक्शन, तो आई जदरान लास्ट मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले थे, 100+ स्कोर किए थे, इसी वजह से मैं आई जदरान को बैक कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल मेरे को अभी भी इनका डर जानते हो किनसे लग रहा है, एम जैनसन के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जैनसन स्टार्टिंग में इस पिच पे अच्छा खासा स्विंग भी निकालेंगे और विकेट भी निकालने वाले हैं। बट स्टिल क्योंकि मैंने गुरबाज को नहीं रखा है तो एक मैं रखना चाहता था अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो आई जदरान के साथ गया है। दर्शन को मैं इस मैच में बैक करूंगा, इंडिया के खिलाफ टोटली फ्लॉप रहे थे लेकिन अच्छे प्लेयर है, स्कोर के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैं बैक कर रहा हूं। आर शाह मेरे टीम में अभी मैं नहीं रख रहा हूं, आर शाह से बेटर होगा कि आप इस मैच में एस सदाई को रख लो, क्योंकि ये जो प्लेयर है ना एस सदाई, ये ऐसा प्लेयर है कि बॉल को देख के खेलता है, जल्दी अपना विकेट नहीं देता है, स्लो खेलते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं, लेकिन आपको एवरेज सभी मैच में 40-50 फैंटेसी पॉइंट दे के जाते हैं, तो आप इनको लेके जा सकते हो इस मैच में। डेविड मिलर को मैं बैक नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे करते हैं दोस्तों, और इस मैच में मुझे चांस कम लग रहा है कि डेविड मिलर को बहुत ज़्यादा बॉल मिले खेलने के लिए। हाँ, मिल तभी सकता है यदि दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम का टॉप ऑर्डर टोटली दोस्तों इंडिया अगेन जैसा ब्लास्ट हुआ था उसी तरह हो जाए। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल क्या बोलूँ, ग्रैंडलिंग में यदि आप डेविड मिलर को रखना चाहते हो तो डिकॉक के जगह ट्राई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डिकॉक के ही जगह, अदर प्लेयर के जगह नहीं। फिर नीचे दोस्तों आपको टी बबुमा का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो मेरा गट फीलिंग क्या कर रहा है ना दोस्तों कि टबुमा बबुमा इस मैच पे रन करने वाले हैं, बबुमा भाई पे इस मैच में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मेरा गट फीलिंग कर रहा है कि मैं बबुमा को रख लूँ, अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना बबुमा इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, दो रीजन है। एक तो दोस्तों इस मैच में साउथ अफ्रीका को कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं कि ये क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं। सेकेंड दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम के सभी प्लेयर हैं ना, सभी प्लेयर यहाँ तक दोस्तों एम जैनसन तक सभी प्लेयर ने 150+ स्कोर किया है, बट इनके जो कैप्टन है किसी भी मैच में 50 से ऊपर इनका स्कोर भी नहीं किया है। तो इस मैच में चाहेंगे टबुमा बबुमा दोस्तों सेवन फाइनल में जाने से पहले अपना फॉर्म को कैच करें, तो इसलिए ये प्लेयर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नीचे दोस्तों आपको रिजा हेंड्रिक्स का ऑप्शन मिलेगा, खेलने का चांस कम ही लगता है। अब बात कर ले ऑलराउंडर सेक्शन, तो एम जैनसन मस्त इंपॉर्टेंट पिक है, कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। एक मैच यदि खाली इंडिया के अगेंस्ट इनका हम लोग इग्नोर कर दे तो अदर सभी मैच में भाई ने विकेट लिया है, इंडिया टीम के अगेंस्ट भी इन्होंने एक विकेट लिया था लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने स्कोर खर्च किए थे। फिर नीचे दोस्तों आपको उमर जाई का ऑप्शन मिलेगा, उमर जाई और नबी ये दोनों में से एक को आपको रखना है, मैं अभी के लिए उमर जाई को रख रहा हूँ क्योंकि नबी दोस्तों देखो नबी अच्छा बॉलर है लेकिन उमर जाई बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, साथ ही साथ बॉलिंग भी कर लेता है, तो एज अ बैट्समैन मैं इनको बैक कर रहा हूँ अपने टीम में। माकरम मेरे टीम में रहेंगे, बॉलिंग का चांस मेरे को कम लग रहा है लेकिन कोई नहीं दोस्तों, इस पिच पे एज अ बैट्समैन ही माकरम आपके लिए अच्छा खासा स्कोर करके जा सकते हैं, इसलिए माकरम भैया इंपॉर्टेंट रहेंगे। नबी का मैंने ऑलरेडी रोटेशन बताया दोस्तों, उमर जाई की जगह आप नबी को ट्राई कर सकते हो, ये रोटेशन। गुरबाज दोस्तों खेलेंगे नहीं, ए रहमान दोस्तों खेलेंगे नहीं, फ्लेक्वाडो दोस्तों खेले भी तो चांस मुझे कम लग रहा है, यदि खेलते हैं तो देखो इनको खिलाने के लिए साउथ अफ्रीका को एम जैनसन को रेस्ट देना होगा। क्या साउथ अफ्रीका की टीम ये चीज़ कर सकती है? कर सकती है दोस्तों, इससे पहले इन्होंने रवादा को भी एक मैच में रेस्ट दे दिया था, तो मे भी दोस्तों एम जैनसन की जगह यदि फ्लेक्वाडो खेलते हैं तो आप ट्राई कर लेना, ठीक ना, चांस मुझे कम लग रहा है खेल जाए। अब बात कर ले बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन में महाराजा का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। देखो दोस्तों महाराजा ने लास्ट मैच में बहुत बढ़िया बॉलिंग किया था इंडिया टीम के अगेंस्ट, लेकिन देखो सामने इस बार अफगानिस्तान की टीम है, मेरे को लग रहा है अफगानिस्तान टीम को फास्ट बॉलिंग से ज़्यादा दिक्कत होगा, स्पिन को वो टैकल कर लेगी, तो इसलिए मैंने स्पिन को ना लेके साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर रवादा को टीम में रखा है। राशिद खान बॉलिंग फर्स्ट हो या दोस्तों बॉलिंग सेकेंड हो, राशिद खान को आपको रखना ही है टीम में, राशिद खान आपको बैटिंग भी प्रोवाइड करते
करते हैं, और बॉलिंग तो दोस्तों इनको जैसा भी पिच दे दो, स्पिन को हेल्प हो चाहे ना हो, ये विकेट आपको प्रोवाइड करेंगे। कॉटजी मेरे टीम में रहेंगे दोस्तों। देखो लास्ट में साउथ अफ्रीका की टीम कॉटजी को नहीं खिलाई थी और इनकी जगह दोस्तों शमसी खेले थे, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ इस मैच में दोस्तों कॉटजी खेलेंगे ही खेलेंगे, और यदि ये खेलते हैं तो टीम में आप लेके ही जाओ। ही इज अ विकेट टेकर बॉलर और स्पीड भी इनके पास बहुत तगड़ा रहता है। फिर नीचे दोस्तों मुजीबुर रहमान का ऑप्शन मिलेगा। लास्ट मैच इनको भुला देना चाहिए। मैक्सवेल का भाई ने 32 रन पे कैच ड्रॉप हो गया था, और उसके बाद क्या हुआ तो मैक्सवेल ने 201 रन स्कोर कर दिए। मुजीब को यार लास्ट मैच का डर लग रहा होगा, लेकिन स्टिल देखो दोस्तों सामने साउथ अफ्रीका की टीम है, स्पिन के सामने फंसती ही फंसती है। यदि साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग सेकेंड करती है, मुजीब आपके टीम में होने चाहिए, बैटिंग फर्स्ट में मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक ना। फिर नीचे लुंगी मेरे लास्ट ऑप्शन रहेंगे। देखो 14% सिलेक्शन जरूर है, लेकिन सामने अफगानिस्तान की टीम है जो स्पिन को एनी हाउ टैकल कर लेगी, लेकिन फंसेगी कहाँ पे तो फास्ट बॉलिंग के सामने। तो इसलिए मैंने साउथ अफ्रीका के तीनों फास्ट बॉलर लुंगी, कॉटजी और रबादा, तीनों को मैंने अपनी टीम में बैक किया है। नवीन खराब ऑप्शन नहीं रहेंगे दोस्तों। बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत अच्छा इन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग भी किया था ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट, और स्टार्टिंग में ही 2 विकेट लिए थे। नीचे से एक प्लेयर में जैसा बताया दोस्तों एन अहमद का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्लेयर का खेलने का चांस मुझे 90% लग रहा है। यदि अफगानिस्तान टीम की समझती है कि यहाँ पे स्पिन को हेल्प रहेगा तो ये डेफिनेटली खेलेगा, क्योंकि स्पीच पे ना ध्यान रखना, इनको एक्सपीरियंस भी है खेलने का आईपीएल में। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ भी हम लोग जान लेते हैं, आज का दोस्तों जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है, इस मैच में इन्वेस्टमेंट कहां पे करना चाहिए जहां से आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस मैच में स्पोर्ट बाजी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्पोर्ट बाजी पे क्यों? क्योंकि यहां पे ना दोस्तों ध्यान रखना दो सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक तो दोस्तों ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपटीशन कम है, लेकिन आप जितना भी कॉन्टेस्ट लगाओगे फुल जरूर हो जाएगा, कंपटीशन कम है जिससे आप विनिंग भी आपका इजी हो जाएगा, विनिंग का चांस भी हाई है। सेकेंड दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है, और एक और चीज़ यहाँ पे कोई जीएसटी आपसे नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा कोई जीएसटी नहीं। जीएसटी के रूप में ऐसा नहीं कि आपको बोनस दे दे, क्वाइन दे दे, जी नहीं, जितना आपका आप डिपॉजिट करोगे सभी अमाउंट आपके वैलेट पे टोटल आएगा। और यदि आप दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ पे 100 रुपया डिपॉजिट करते हो ना, तो आपको 10 रुपया का फ्री टिकट मिलेगा, और इस टिकट को दोस्तों आप ये वाला जो कॉन्टेस्ट आपको दिख रहा होगा 10 रुपया वाला, जैसे ही आप 100 रुपया डिपॉजिट करोगे यहाँ पे आपको 0 दिख जाएगा। डैट मीन्स ये कॉन्टेस्ट आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, एक तो कोई जीएसटी भी नहीं लग रहा है और कॉन्टेस्ट भी आप फ्री में ज्वाइन कर रहे हो, जिसका फर्स्ट प्राइज देखो तो 2000 है, तो खराब तो नहीं है ना दोस्तों। और साथ ही साथ एक और एडवांटेज मैं बताता हूँ, यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हो और आपका डिपॉजिट 500 या 500 से ज़्यादा का होता है ना, तो यहाँ का जो सबसे बड़ा वाला ग्रैंड लीग है 39 रुपये का ना, ये दोस्तों आप फ्री में ज्वाइन कर लोगे, फ्री में दोस्तों, और फ्री में ज्वाइन करके फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकेंड प्राइज 15,000, इस तरह से है। तो आप यहाँ पे देखो तो जीएसटी भी नहीं लगा, डिपॉजिट ऑफर भी आपको मिल गया, जिससे आप फ्री में कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करके और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो। तो जिन भाइयों ने स्पोर्ट बाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर कीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जितना भी कॉन्टेस्ट है सभी कॉन्टेस्ट में 10% बोनस का यूज हो रहा है, चाहे दोस्तों स्मॉली का ही कॉन्टेस्ट देखोगे 3 मेंबर 2% बोनस का यूज, 5% बोनस का यूज, बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला भी कॉन्टेस्ट है, छोटा इन्वेस्टर है उनके लिए भी बोनस वाला कॉन्टेस्ट है। तो भाइयों ने डाउनलोड नहीं किया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट बाजी को, और जब आप लॉग इन करते हैं ना तो रेफरल कोड शर्मा जी जरूर डालिएगा, SHARMA और लास्ट में 200G, ठीक ना, जिससे इसी तरह का ऑफर यदि आएगा तो मेरे मेंबर को इजीली उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, मेरे द्वारा हो या दोस्तों ऐप के द्वारा। अब बात कर ले इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन बीसी ऑप्शन। कैप्टन दोस्तों मैं एम जनसन के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन मैंने डिकॉक को किया है। अनदर ऑप्शन में दोस्तों राशिद खान को आप जरूर इस मैच में ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन के आ सकते हैं इस मैच में। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए, टॉस के बाद यदि इस टीम में कोई प्लेयर ना खेले या दोस्तों पिच को ध्यान में रखते हुए कोई भी चेंजेस करना होगा तो आप टेलीग्राम पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने फाइनल कॉम्बिनेशन आपके साथ क्या शेयर किया है, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा।
जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दो, इससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।